हाय गाइस, आई एम प्रथम शौकीन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज करेंगे भाई हम ड्रैग रेस फॉक्सवैगन वर्टस जीटी अपनी की। अभी रैप होने के बाद अपनी गाड़ी की ये पहली ड्रैग होने जा रही है। गाड़ी थोड़ी गंदी सी हो रखी है, इस जो रैप पे मतलब ये जो कलर है इस पे थोड़ी सी है ना मिट्टी ज़्यादा आती है। तो आज इसकी हम ड्रैग करने वाले हैं तुषार भाई की होंडा सिटी के साथ। और ये कोई नॉर्मल होंडा सिटी नहीं है, भाई ने इसमें बहुत परफॉर्मेंस मूड्स करा रखे हैं। क्या क्या करवा रखा है भाई इसमें? स्टेज टू है, स्टेज टू हो रखा है, डाउन पाइप डाला हुआ है, इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्टेड डाउन पाइप और पीछे तक का भी हमारा बन रखा है। अच्छा, हाँ हाँ, एक मफलर हमने लगा रखा है ताकि आवाज ज्यादा तीखी ना हो, क्योंकि एनए इंजन है बहुत ज्यादा आवाज करती है, पेट्रोल है ना बहुत ज्यादा, इसलिए मफलर रखा हुआ है। हमारा तो स्टॉक में क्या निकाल रही थी और अब क्या निकाल रही है? 120 BHP एंड 145 BHP और 170 NM, क्योंकि एनए इंजन है और आप 7000 RPM तक इसको खींच सकते हो। तो इसके साथ ड्रैग होगी अपनी वर्टस जीटी की। इसको बेनिफिट रहने वाला है भाई मैनुअल का, और इसका जो आपको पता है सिटी की, अगर आपने मेरे चैनल पर ड्रैग देखी है तो लॉन्च पता ही है कि कितना ज्यादा एग्रेसिवली सिटी जो है लॉन्च होती है और अपनी गाड़ी लॉन्च होती नहीं है। तो ये प्रॉब्लम रहने वाली है हमारी गाड़ी के साथ। और अपनी गाड़ी जो स्टॉक में निकालती है 148 BHP निकालती है 250 NM टॉर्क के साथ, और अपनी टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है 1.5 TSI। दोनों गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव है। क्या लग रहा है कौन सी जीतेगी? अगर आप लॉन्च नहीं करोगे अपनी गाड़ी को तो ड्रैग में सिटी विनर, अगर आप लॉन्च करते हो एनपी वाला तो आपकी शायद वर्टस जीते। तो आप गेस करो गाइस कि गाड़ी कौन सी जीतने वाली है। एक बार सामने से लुक दिखाता हूँ, दोनों गाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही है। बाकी यार आज मेरे को वॉश करा के आनी चाहिए थी, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी है गाड़ी पे, ये देखो। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वर्टस ही जीतेगी। ट्राई करते हैं, अगर लॉन्च करूँगा तो शायद जीत जाएगी, वैसे नहीं जीत पाएगी। अगर इसको लॉन्च नहीं करेंगे और इसको करेंगे तो वही है ना अपना DQ200 है यार, लॉन्च करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी गियर बॉक्स में। बट आप लोगों के लिए हर रिजल्ट दिखाएंगे हम कि कैसे कैसे गाड़ी जीत सकती है वर्टस, कैसे हारती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट राउंड और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी विनर रहेगी। रेव करियो, रेव सही है, इतनी आवाज़ ठीक है, इतनी होनी चाहिए वरना सर में दर्द होता है। तो गाइज अपनी अपनी गाड़ी चलाएंगे दोनों, और ट्रैक्शन ऑफ कर लिया है, मैं अपना स्पोर्ट्स मोड में डालूंगा। एन से डी में आ गए, एस में आ गए, हाँ तो एस में चलाने वाले हैं। एसी, एसी ऑन रख रहा है ऑफ रख रहा है? एसी ऑफ, ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, फुल पोटेंशियल है ना। क्या 1v1 करना है? हैं 1v1 ही कर रहे हैं पूरी ड्रैग रेस? नहीं, एक एक राउंड तो 1v1 करें। हाँ डीएसजी ठंडा है ना, हाँ तो आप फिर शूट करो, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को दिक्कत हो जाती है शूटिंग में। ठीक है ठीक है, तो ये पहला राउंड करते हैं, 1-2-3 अतिशय कर देगा। और गाइज इस राउंड में मैं गाड़ी को लॉन्च नहीं करूंगा, तो ये जो रिजल्ट होने वाले हैं बिना लॉन्च के रहने वाले हैं, रेडी है। भाई लैग में ही रह गई वो गई। इतनी गंदे तरीके से हारते हैं क्या वर्टस? मैंने पहले ही बोला था वो बहुत एग्रेसिव लॉन्च होती है भाई, बहुत बढ़िया खतरनाक तरीके से हरा दिया है भाई वर्टस को, बहुत गंदे तरीके से। लो भाई खत्म ही हो गई रेस, लॉन्च तो करना पड़ेगा भाई इसको जब ही जीतेगी, नहीं तो ऐसे तो नाक कटवा देगी। ये जो DQ200 है ना अपना यार, ये पता नहीं DQ250 देना चाहिए इनको हर गाड़ी में, 200 को तो रिटायर कर दो भाई। अब मैं लॉन्च करूंगा और दोनों बंदे बिठा लेते हैं। अच्छा, यहां से नहीं कभी करना रहा? नहीं वहां से ही करते हैं। ठीक है चलो। हाँ लॉन्च कर रहा हूँ अब। हाँ सेम सेटिंग्स गाइस, सेम सेटिंग्स रहने वाली है, बस लॉन्च करूंगा। एसी दोबारा से ऑफ कर लेते हैं, और इस बार दो दो बंदे हो गए दोनों गाड़ियों में, उसमें भी दो बंदे हैं, हम भी दो बंदे। बेल्ट लगा ब्रो, ब्रो हाँ बेल्ट जरूरी है। चलो जी रेडी है भाई। हाँ रोक लिया, मेरी बढ़िया लॉन्च हो गई, तो डर गए क्या है JDM गाइस? डर गए क्या जर्मन वालों से? सो गाइस दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अबे मेरे को रेडी तो होने दो, इतना क्यों डर रहे हो? ऐसे मत डरो, देखा आगे। बस 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 ठीक है चलो। अरे भाई अभी भी लॉन्च होने के बाद भी ये रिजल्ट ना भाई, होंडा सिटी विनर है भाई, ये तो बहुत लेट पकड़ेगी इसको। ड्रैग तो जीत गई भाई, लंबे में निकल जाएगी, पोटेंशियल में जाएगी भाई वर्टस।
अब ब्रेक लेने का बंदा है। अरे घुला हुआ है उन्होंने ब्रेक ही ले लिए। अरे पता है कहाँ तक बंद है, इतना तो खुला ही हुआ है भाई। हार गई अपनी वर्टस, सर्विस करानी पड़ेगी। लद्दाख से आने के बाद सर्विस नहीं हुई यहाँ। जर्मन गाइस की बेइज्जती हो रही है गाइस। जर्मन गाइस फेल हो गए जेडीएम के आगे। पिछली बार जीत गए थे पहले राउंड में। रोलिंग करते इसको, रोलिंग में ला सकते शायद हम। सॉरी भाई मेरे मेरे मुंह से निकल गई थी ये। आपकी ज्यादा खतरनाक ट्यून हो रखी है। पर अगर इसका ट्यून आ जाए जीटी को, उसके बाद तो खत्म है भाई ये। हाँ फिर तो आसपास नहीं आने देगी। और फिर भी हार गई तो फिर बहाना दे देंगे कुछ, भेज ही दूंगा। ऐसा ही कह रहा है, इतनी बेइज्जती कराएगी तो। गाड़ी की परफॉर्मेंस सही में ड्रॉप हो रखी है थोड़ी बहुत लद्दाख से आने के बाद। हाँ सर्विस मांग रही है ना, माइलेज दे रही है, मैंने बताया भी था व्लॉग में। एंड गाइज अब है ना रोलिंग करेंगे, और मैं ना इसको स्पोर्ट्स में नहीं रखूँगा। मेरे को ऐसा फील आ रही है कि जैसे स्पोर्ट्स में ज़्यादा लैग ले रही है शिफ्टिंग के टाइम पे, तो ये मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। तो डी में चलाएंगे नॉर्मल ड्राइव मोड में। भाई देखो तुम ड्रैग तो जीतने दोगे नहीं, रोलिंग कर लेते हैं। नहीं जीतने देती, ज्यादा पावरफुल है। देखो मैंने नकली वाली से वर्टस से करी थी। एक और जीटी है ग्रुप में तो 190 तक नहीं आगे आने। हाँ। ये तो मेरी तो जा रही है 150-160 पे तो जा रही है मेरी आगे। हाँ, आपकी आपकी असली भी तो है। कौन सी थी नकली? और दूसरा अपना मीटर भी लॉक नहीं है, ऐसे एंड में आपको पता है हमारी 215 पार हो जाएगी। पुलिस तो नहीं आ गई? और सही में आ गई। सुन देख थोड़ा सा पीछे करते हैं, जैसे ये शुरू होगा ना रेलिंग के बाद से ये बना रखा है इन्होंने। ये तो आप तीन ऑन कर देना ना। तीन ऑन में कंफ्यूजन होती है, जैसे ये स्टार्ट होगा ना। आप कर लो, हम समझ जाएंगे। ठीक है चल फिर तीन ऑन मारता हूँ मैं। मैनुअल में डाल रहा हूँ ठीक है, और 20 की स्पीड पे करते हैं। एसी ऑन कर ले यार, फोन हीट हो जाएगा मेरा। तेरा तो नया फोन है। ओके आपकी एनए भी तो है। चलो रोलिंग में देखते क्या रहेगा गाइस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे साथ तो लाओ। 25 पहुंच गई मेरी गाड़ी। अबे ऐसे नहीं हो पाएगी भाई रोलिंग, डरो मत। आधा ट्रैक तो कवर ही हो गया। अब जीत जाएंगे देखो। और ये फिर आ गई। नहीं नहीं इस बार जीतेंगे। लो गाइस रोलिंग जीत गए हम। अरे अब देख, अब गैप देख तू, गैप देख। एक रोलिंग और करूंगा, इन्होंने दो ड्राई कराई ना, मैं दो रोलिंग में जीतूंगा। इनिशियल में पंगा है इसका। हाँ इनिशियल में लैग है यार। इनिशियल में भी हम ही जीतेंगे। अगर ये मैनुअल होती ना तो स्टॉक ही इतना बुरा हाल कर देती इसका। मैनुअल है ये, वो शायद हरा सकती है। शायद पक्का भाई, गारंटीड हराएगी। लैग ही नहीं है इसमें तो, लैग दुनिया भर का है मेरी गाड़ी है भाई। लेकिन मैं खुद ही बता रहा हूँ कि ये इसमें बहुत गंदी चीज़ है। अगर आप जैसे ड्राइव वगैरह करते हो तो DQ200 गियर बॉक्स है, इसमें काफी लैग आता है उसमें। हाँ भी कैसी रही ठीक है चल यहीं से चलते हैं। चल शीशों पर अरे इंजन गरम कराएगा क्या? ट्रैक तो निकल गया। जाएगी। चल वर्टस करके दिखा इसको, हरा के दिखा। लो भाई जा रही है रोलिंग में तो गई भाई, गई भाई गई, जीत गए भाई। ड्रैग वो जीतती है, रोलिंग ये जीतती है, कंक्लूजन यही है। ठीक है यार बहुत सही परफॉर्म कर रही है लेकिन वो गाड़ी। स्टेज वन में होंडा सिटी बहुत, स्टेज वन नहीं है, टू है, डाउन पाइप है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है और उसके बाद तो फिर यार परफॉर्मेंस कम ही है। एनए इंजन है ना। हां वही वाली भाई, ये स्टॉक गाड़ी और वो स्टेज टू, वही है भाई VTEC किचन करता है ना, ऊपर से स्टेज टू हो गई, बहुत सही परफॉर्मेंस निकाल रही है वो।
सो गाइज आपने देखा भाई, दो राउंड में तो ऐसी तैसी कर दी होंडा सिटी ने बिल्कुल वर्टस की, बिल्कुल पास भी नहीं आने दिया। 150-160 पे आई है ना पास में, उसके बाद लॉन्च के साथ भी 160 आई है और जो आपका नॉर्मल हाँ। मेरे को ऐसा लगा मैं स्पोर्ट्स में चला रहा था ना, बहुत ज्यादा लैग मार रही है। ये गियर बॉक्स है ही घटिया, ये तो साबित हो चुका है क्योंकि ये इतना लैग लेता है ना, तेरे को तो पता ही है। ये घड़ी इसमें भी तो DCT है, ये तो और कॉपी है। मेरे पास तो रख रखे भाई, मेरे को तो पता है ग्रेटा भी कितनी हीट होती थी। DCT है, दिक्कत देता है, टॉर्क कन्वर्टर ज्यादा बेटर है इससे। बाकी भाई यही रिजल्ट था, रोलिंग अपनी जीत जाती है, ड्रैग ये बहुत शानदार तरीके से जीतती है। बाकी अगर मैनुअल होती तो ड्रैग नहीं जीतने देती है, मैनुअल का बहुत बढ़िया लॉन्च होगा। पता नहीं मेरे को तो यार लैग ही लग रहा है बहुत ज्यादा, मतलब लॉन्च करने के बाद भी नहीं आने दी, आने दिया तेरी गाड़ी ने, या तो ये फास्ट ही ज्यादा हो गई है, ये बात भी हो सकती है। बीटेक है ना, वो कहते हैं ना एनए में गेन नहीं आते भाई, लैम्बोर्गिनी भी तो एनए है। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ड्रैग। अभी इसकी ड्रैग होने वाली है उस वाली वर्टस के साथ, स्टेज वन वो है भाई वुल्फ मोटर्स का, उसमें ट्यून है, तो देखते हैं 1 लीटर से ट्यून 1 लीटर से जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी। तो ऐसे ही ड्रैग रेसेस आती रहेंगी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू गाइस।